जय श्री कृष्ण। गीता नाम है, फिर से आपका स्वागत। क्लास 7 लेसन नंबर 2 और नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ना है और दिनांक क्लास 7 दिनांक 6/11/20 लेसन है सेकंड, दूसरा लेसन चल रहा है अभी। बहुत बड़ा पाठ है, कृपया ध्यान से सुनेंगे आप लोग और कोरोना काल में इसको पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले ये एक भिखारी और एक परिवार की कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, इसको धीरे धीरे आपको समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग आपको याद करते रहना है मीनिंग डायरी से देख करके। सबसे पहले क्या दिया है, अब यहाँ तक कहानी हो गई कि वो यहाँ तक था कि भाई मजबूत था, सीन पेटी गजना थी, वो भी थी, शुरुआत में वो पान जमाने जब भी उसके दांतों पे भूरे रंग के थे, ये सब यहाँ तक पूरा हो गया। आगे पढ़ना है रवि क्या है, लड़का टेल हिम देयर सेड नथिंग लेफ्ट इन द किचन। देखो रवि टेल ने कहा या बताया, हिम उनको, देयर वहाँ, नथिंग कुछ नहीं है, लेफ्ट एंड छोड़ा, इन द किचन यानी किचन में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, यानी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कॉल्ड रिकू, किसको कहा है, रिकू को कहा, किसने कहा है, रिकू ने किसको कहा है, मनी से कहा, कॉल्ड मनी, कॉल्ड रिकू मनी, किसको कहा, मनी ने, रिकू ने मनी, रिकू मनी ने कहा, किसने कहा, रिकू मनी ने कहा। एंड एन आवर ही इज नॉट टू कैम अगेन, और वह फिर कैंड ही नॉट टू कम अगेन, फिर यानी दोबारा, अगेन बोल दोबारा, दोबारा वो नहीं आया, कौन आया, वह फिर से नहीं आए, क्या है, वह फिर से नहीं आए, इसमें क्या होगा, ही इज नॉट फिर से नहीं आए, मतलब अगेन वो दोबारा आया, दोबारा नहीं आए, फिर से नहीं आया। टेल हिम डेट हिम दे, उसने यह भी कहो, क्या कहा उसने, उसने ये भी कहो, सी साउंडेड फेड अप, क्या कहा था वह, साउंडेड फेड अप, वह अब उब चुकी थी, क्या हो चुकी थी, वो उब चुकी, साउंडेड का मतलब लगने वाला, क्या होता है, साउंडेड लगने वाला, और फेड अप का मतलब होता है उब जाना, और क्या होता है, फेड अप उब जाना, उब उबने लगी या उब गई थी, उब चुकी थी, यानी उब चुकी हुई सी लगने लगी, कैसे लगती, उब चुकी हुई सी लगने लगी थी, कैसे लगी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। रवि आगे क्या है, रवि क्या कहता है, रवि डिडंट हैव ए रिपीट इट ऑल, रिपीट इट ऑल टू द बेगर, यानी रवि ने क्या कि इनको वापस डिडंट नहीं है, हैव टू रिपीट इन दोहराने की, इन सब को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्या थी, आवश्यकता नहीं थी। इट ऑल द टू द बेगर, जो भी भिखारी से, सब भिखारी की जो दो, ये सब भिखारी को दोहराने की, किसकी जरूरत नहीं थी, भिखारी को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। इट ऑल द बेगर, बेगर भिखारी को इन चीज़ों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, व्हाट हिज मदर, व्हाट इज मदर, जो व्हाट इज हिज मदर, उसकी माता कह रही थी या कह रही थी, क्या कह रही थी, हेड बीन इजी, क्या कहती थी कि उन सभी में वह इजी फॉर देम ऑल हियर, ये क्या कह रही थी, सरलता से उस नियम, क्या हो गया, अंडर द ईयर देयर, अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री क्या है, उसकी माँ क्या कह रही थी कि सभी ने
उसकी माँ कह रही थी कि वह उन सभी ने वह सरलता से हैं अंडर द बेगर सेटअप एंड साइंड, यानी नीम के पेड़ के नीचे सुन लिया था और भिखारी बैठा हो गया। क्या हो गया? बेगर सेटअप एंड बैठा हो गया। सिंगड, सिंगड मतलब क्या होता है? सिंगड मतलब होता है उसने एक आ भरी। क्या भरी? सिंगड मतलब क्या? आ भरी। क्या भरी? सिंगड मतलब आ भरी। क्या भरी? सिंगड मतलब आ भरी। उसने क्या भरी? सिंग आ भरी। आई सेल गो, आई सेल गो, क्या लिखा उसने? आई सेल गो, ही सेड वेरली, वेर वेर लिखा मतलब थक कर। मैं आई गो सेल, आई गर्ल्स में जाता हूँ। उसने क्या कहा? उसने थककर क्या कहा? मैं जाऊंगा। ही सेड, मैं जाऊंगा। ही सेड थक करके उसने कहा कि मैं जाऊंगा। थक कर उसने कहा कि मैं जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या करने दो? आराम करने दो। क्या करने दो? आराम करने दो। आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत ही गर्म है, या बहुत ही गर्म है। क्या है? सूर्य बहुत ही गर्म है। हॉट का मतलब गर्म। द टेर हेज मेटल, मेटल किसको बोलते हैं? कुछ जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं मेटल। जो होता है ना मेटल, जो उसको गलाने वाला चीज, तो उसको बोलते हैं मेटल। ठीक है, तो उसने क्या कहा? मेटल ऑन रोड, तार बोलते हैं डामर को। किसको बोलते हैं? डामर को, या तरल पदार्थ को। और हिज मेटल ऑन रोड, रोड पर वो डामर क्या है? पिघल गया। गर्मी से इतना है कि पिघल चुकी है या पिघल चुके हैं। एंड माई फीट, मेरे पैर आर ऑलरेडी, मेरे पैर ब्लिस्ट है। क्या है ब्लिस्ट का मतलब? होता है फफोले। क्या होता है? फफोले। मेरे पैर में ऑलरेडी ही ब्लिस्ट यानी फंफोले हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ब्लिस्ट। ब्लिस्ट का मतलब क्या होता है? फंफोले। क्या होता है ब्लिस्ट का मतलब? होता है फंफोले। क्या होता है ब्लिस्ट का मतलब? फंफोले। हो गया, ब्लिस्ट का मतलब होता है फंफोले। क्या होता है ब्लिस्ट का मतलब? फंफोले। उसने क्या कहा? मेरे पैर में फंफोले हो चुके या हो गए हैं। अब क्या है? उसने लिखा है ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। क्या लिखा उसने? उसने अपने बड़े गुलाबी लार्ज शो पिंक यानी गुलाबी और पीलिंग छिले हुए बीस्टर फपोले ओन द सोल्स यानी नंगे पारों पर हिज बेयर फीट यानी नंगे पारों पर। उसने क्या लिखा? अपने नंगे तलवे। सोल्स का मतलब क्या होता है? तलवे। तलवों पर हुए क्या दिखाए उसने? फपोले दिखाए। क्या किया उसने? फपोले दिखाने के लिए पैर फैलाए। क्या किया? पैर उन्हें फैलाए। आई सपोज सपोज का मतलब कल्पना करना। मैं कल्पना करता हूँ या करती हूँ। ही डजंट हैव ए मनी टू बाई चप्पल से। उसने कहा कि उस ही डजंट ही हैव यानी डो डजंट नहीं है, हैव नहीं है मनी एंड धन टू बाई चप्पल यानी चप्पल खरीदने के लिए उनके पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है, मनी नहीं है। चप्पल खरीदने के लिए क्या नहीं है उनके पास में? पैसा या चप्पल नहीं है। मर्द्यू विस्पर टू मीना रवि, मीना रवि, मर्द्यू विस्पर टू मीना रवि। फुसफुसाते हुए मर्द्यू ने मीना रवि से कहा। किसके कहा? मीना रवि से फुसफुसा करके कहा या फुसफुसाते हुए कहा। हैव यू, देखो हैव पहले आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया।
हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन हाउस समवेयर? उसने कहा क्या तुम्हारे घर में गोट एन ओल्ड पेयर, क्या तुम्हारे पुराने पिन हाउस घर में पुराने जूते है क्या? पैर का मतलब बताया वैसे जोड़ा, क्या तुम्हारे पास में जूते की जोड़ी घर में है क्या, पुरानी जोड़ी है क्या? नेक्स्ट मैं कल पढ़ाऊँगा। जय श्री कृष्णा।